विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार से जहां एक तरफ अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई दी, वहीं अब ये तकरार साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नाराज हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच उन्होंने मुलाकात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव का झुकाव अब देखने को मिल रहा है सपा नेता आजम खान की तरफ। हाल ही में सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव और मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साध दिया। आजम खान तकरीबन 26 महीनों से जेल में बंद है। वहीं आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने करारा जवाब दिया, निशाना साध दिया अखिलेश यादव पर, और अब अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आजम खान। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई है कि जेल में आजम खान ने क्या बातचीत की शिवपाल सिंह यादव से। वहीं शिवपाल सिंह यादव के बाद अब मुलाकात करने पहुंचे लखनऊ से विधायक और पूर्व मंत्री सपा के मंत्री रविदास मेहोत्रा, जो सीतापुर जेल पहुंचे आजम खान से मुलाकात करने। सीतापुर जेल प्रांगण में रविदास मेहोत्रा वहां से बेरंग लौट आए। जी हां, तकरीबन 11 बजे सीतापुर जेल पहुंचे रविदास मेहोत्रा, जिन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आजम खान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर देखने को ये भी मिला कि आजम खान जेल में बंद है और उन्होंने एक बेहद बड़ा फैसला लिया अखिलेश यादव के खिलाफ। दरअसल उनका फैसला ये रहा कि उन्होंने साफ तौर से मिलने से इनकार कर दिया रविदास मेहोत्रा से। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आजम खान ने रविदास मेहोत्रा से मिलने से मना कर दिया था, इसके बाद वह वहां से वापस चले गए। विधायक रविदास मेहोत्रा ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में। मालूम हो कि आजम खान पर तकरीबन 80 मामले दर्ज हुए और इन मामलों में से अधिकतर मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और जल्द ही उन्हें रिहा भी किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।